और बात कर लेते हैं अगली खबर की। ग्रेटर निगम मेयर निलंबन मामले में आज सुनवाई है हाईकोर्ट में। मामले पर यह अहम सुनवाई होगी। 11 जून को समय खत्म होने के चलते यह सुनवाई अधूरी रह गई थी, जो कि आज होगी। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से मेयर निलंबन मामले को लेकर बड़ी अपडेट। आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 11 जून को समय खत्म होने के चलते ये सुनवाई अधूरी रह गई थी और आज फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ सहयोगी महेश का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। महेश, क्या है पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, जो जस्टिस पंकज भंडारी थे उनको चीफ जस्टिस ने अनुमति दे दी थी मामले की सुनवाई करने के लिए, तो आज 9 बजे से सुनवाई होनी है। उनकी खंडपीठ में दो मुकदमे लग रहे हुए हैं, एक दूसरे कोई बंदी प्रत्यक्ष निर्धारण याचिका है, पहले उस पर सुनवाई की जाएगी ताकि और कोई मुकदमा शेष नहीं रहे सुनवाई के लिए। उसके बाद जो है ये जो सौम्य गुजर वाली पिटिशन है उसका नंबर आएगा, तो कुछ ही कह सकते हैं कि 5 या 7 मिनट में ही जो है सुनवाई शुरू हो जाएगी। महेश, कितनी महत्वपूर्ण ये सुनवाई रहने वाली है, खास तौर पर बात कर ली जाए सौम्या गुर्जर के लिए और दूसरी तरफ बात कर ली जाए सरकार के जो महाधिवक्ता थे एम एस सिंघवी उनके लिए? देखिए, जो सौम्या गुर्जर है उनके एडवोकेट की जो बहस है वो खत्म हो चुकी है। महाधिवक्ता है वो बहस कर देंगे, पिछली बार उनकी बहस अधूरी रही थी। उनकी ओर से आज जो है करीबन 11 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो पेश किए जाएंगे, उन पर बहस की जाएगी। जो उनके फेवर के जो 11 जजमेंट है उन पर वो अपने पक्ष रखेंगे किस तरह से निलंबन है वो सही है। ठीक है महेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट इस मामले को लेकर आपको बता दें कि 11 जून को इस मामले की को लेकर जो सुनवाई थी वो समय खत्म होने के चलते अधूरी रह गई थी और आज फिर से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।